ब्लॉक्स की ई क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम आपके लिए इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि आयकर का प्रावधान क्या होता है, यानी कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल डी ब्लॉक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, से ये फायदा होगा। यदि आप जो हमारी भी आने वाली वीडियो है नई नई, उसको आप देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आयकर का प्रावधान यदि समायोजन में दिया हो तो इसे कंपनी के लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में प्रावधान शीर्षक प्रावधान उप शीर्षक में लिखा जाना चाहिए दोस्तों। अब बिक्री कर आयकर दोनों ही लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। यदि तलपट में कर प्रावधान का शेष क्रेडिट दिया है तो इसे लाभ हानि नियोजन खाते से क्रेडिट पक्ष में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यह मद गत वर्ष में से संबंधित भुगतान के लिए किए गए कर की बचत को प्रदर्शित करता है दोस्तों। यदि तलपट में आयकर की बाकी डेबिट में लिखी है तो इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाना चाहिए। यदि तलपट में आयकर की बाकी डेबिट पक्ष में लिखी है तो इसे लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए, इनके डेबिट पक्ष में लिखा जाना चाहिए। यदि तलपट में आयकर की डेबिट व क्रेडिट दोनों प्रकार की बाकियां दी हैं तो आयकर की डेबिट बाकी का समायोजन आयकर की क्रेडिट बाकी से करना चाहिए, और फिर इनके अंतर के लाभ को लाभ हानि खाते में नियमानुसार ले जाना चाहिए। दोस्तों, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर की राशि लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में मान्य नहीं है, लेकिन दोस्तों लेखा पालक कंपनीज अधिनियम के अनुसार लेखित सत्य एवं उचित स्थिति प्रकट करने के लिए बनाते हैं। अतः लेखांकन के दृष्टिकोण से आयकर का लाभ हानि खाते से लेखा करना उचित है। एकाकी व्यापार की दशा में आयकर की राशि को आहरण की तरह मानकर पूंजी खाते में से घटाना उचित है। तो आयकर की जो राशि है पूंजी खाते से घटाना उचित होता है, यानी कि जरूरी होता है और सही तरीका होता है। तो दोस्तों यही था आयकर के जो प्रावधान थे। दोस्तों आशा करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, खुद और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू गाइस।